ये स्थिर विद्युत या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत उम्दा प्रयोग है। इसके लिए एक प्लास्टिक की स्ट्रॉ, एक पेंसिल, एक कागज़ का कप, टिश्यू कागज आदि चाहिए। सबसे पहले पेंसिल की नोक को कप के बीचों बीच घुसाएं। कप का उद्देश्य पेंसिल को बिल्कुल सीधा खड़ा करना है। उसके बाद में एक आयताकार कागज लें और उसमें लंबाई में और चौड़ाई में मोड़े, जिससे कि आपको केंद्र मिल जाए और उसको पेंसिल की नोक पे आप बीचों बीच रख सकें। यह सुनिश्चित करें कि कागज़ जो है वो आसानी से घूमे। उसके बाद में एक टिश्यू कागज़ लें, टिश्यू पेपर लें और उससे कस करके स्ट्रॉ को कई बार रगड़ें। इससे स्ट्रॉ के कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और उसमें एक विद्युत आवेश आ जाएगा, एक इलेक्ट्रिकल चार्ज आ जाएगा। अब आप जैसे ही स्ट्रॉ को कागज़ के पास लाएंगे, वो उसकी ओर आकर्षित होगी और उसके साथ साथ घूमती रहेगी। आपकी प्लास्टिक स्ट्रॉ एक जादुई डंडे का काम करेगी। ये एक बहुत ही सरल और सस्ता प्रयोग है और इसको बच्चे बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ बच्चों को इस प्रयोग को करते हुए देखिए।